आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोलूशन पाओ डाउनलोड नाउ द क्वेश्चन ना एन ए एन इम्पोर्टेंट रोल इन सो गाइज यहाँ बताना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन जो आर एन ए है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें ठीक है सो गाइस आर एन एज राइबो न्यूक्लिक एसिड ठीक है सो so गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर तो डी एन ए से क्या बनता है आर एन ए और ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन ठीक है देन आर एन ए से क्या बनता है प्रोटीन्स ठीक है जो कि कहलाता है प्रोसेस ट्रांसलेशन ठीक है सो गाइस बेसिकली हमें पता है कि डीएनए कैसा रहता है डबल स्टैंडर्ड रहता है ठीक है एंड आरएनए कैसा रहता है सिंगल स्टैंडर्ड सो जो डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है वो किस में किस में कन्वर्ट की जाती है आरएनए एन ठीक है फिर जो आरएनए पर गाइस हमारे सीक्वेंस रहता है न्यूक्लियोटाइड्स का ठीक है सो so, वो बेसिकली उसको कैसे रीड किया जाता है उसको एज अ कोडोन रीड किया जाता है कोडोन क्या रहते हैं जो तीन न्यूक्लियोटाइड मिलके एक कोडोन बनाते हैं ठीक है और वो किसको रीड करता है वो एक अमीनो एसिड को रीड करता है तो इस तरीके से जो आर में इंफॉर्मेशन कोट होती है वो किस में कन्वर्ट की जाती है प्रोटीन प्रोटीन क्या है पॉलीमर है किसका अमीनो एसिड पे अमीनो एसिड का ठीक है सो so, जितने भी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एज अ कोडॉन एक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है ठीक है मतलब जो कोडॉन में अमीनो एसिड है वो सीक्वेंस ऐड होते जाते हैं इन दी पॉलीपेप्टाइड चेन ठीक है दैट मीन्स हमारा आर एन ए है वो इम्पॉर्टेंट रोल किस में प्ले कर रहा है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज ट्रांसलेशन अब अगर हम अपने ऑप्शन देखें हमारा पहला ऑप्शन है सेल डिवीजन ठीक है सो गाइस सेल डिवीजन के टाइम पर क्या होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डुप्लीकेट होता है ठीक है दैट इज डी एन ए ठीक है जैसे सेल में अगर हमारे डी एन ए जेनेटिक मटेरियल है तो वो डुप्लीकेट होगा उसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तो आर एन ए का वहाँ पर कोई रोल नहीं होता ठीक है देन दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है प्रोटीन सिंथेसिस में हमने देखा कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्रोटीन डाइजेशन सो तो कैस प्रोटीन डाइजेशन में हमारे एंजाइम्स इन्वॉल्व रहते हैं कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस सो क्या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस में आरएनए का कोई रोल नहीं होता ठीक है सो कैस इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रोटीन सिंथेसिस तो थैंक यू क्लास से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर